सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेटिव यूनिवर्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए रोज नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आए हो। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा ध्यान से डिस्कस करने वाले हैं कि जो इलेक्शन कमीशन से हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए दिया एनबीएसपी पोर्टल में, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नेम है अगर नेम पे कोई गलत है तो उसमें ही हम लोग इंपॉर्टेंस दे के उसको करेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को नेम करेक्शन के साथ साथ हमारा एज, हमारा एड्रेस या जो फोटो लगा हुआ है वोटर आईडी कार्ड में उसमें भी ध्यान रखना है कि उसमें कोई गलत है या नहीं। अगर गलत है तो उसको भी चेंज कर ले। अगर आप 18 नवंबर से पहले नहीं करेंगे तो बाद में जाके आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो 18 नवंबर से पहले आपका जितना भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है सबको आप करेक्ट कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपका वोटर आईडी कार्ड में जो फ़ोटो रहता है उस फोटो को आप चेंज कर पाएंगे। तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखिए और मेरे साथ बने रहे कि मैं कैसे चेंज करता हूँ, उस तरीके से आप भी चेंज करवा लीजिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना। फिर सर्च बार में सर्च कर दिया www.nbsp.in। तो सर्च करने के बाद आपको ऐसे एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, आप देख सकते हैं। फिर लॉग इन ऑब्लिक रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद ऐसे एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया तो इसमें आपका एपिक नंबर, पासवर्ड, फिर कैप्चा देके आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर नहीं किया तो नीचे ग्रीन कलर में क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया तो डायरेक्ट अभी लॉगिन करूँगा। तो कैप्चा फुट कर दिया, फिर लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, देखिए लॉगिन हो गया। तो फिर आपको ऐसे एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें जाके आपका अगर वेरिफिकेशन नहीं है तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर हम लोग जाएंगे करेक्शन पे। तो करेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इधर आएगा सेल्फ एंड फैमिली। तो मैंने फैमिली एक का जो करेक्शन करने वाला हो। तो फिर आपको देना है एपिक नंबर, मतलब जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है उसको दे के आपको नेक्स्ट करना है। तो मैंने वोटर आईडी कार्ड को टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए अभी नेक्स्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको जो करेक्शन करना है उसका फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, मैंने इंग्लिश कर रहा हूँ। तो इंग्लिश करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो स्टेट है उसको सेलेक्ट करना है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उसको सेलेक्ट करके आपको इस फॉर्म को फुल्ली फिलअप करना है। तो मैंने वन बाय वन फिलअप कर रहा हूँ। तो जिसका नाम है उसका नाम पुट कीजिए, फिर उसका जो सरनाम है सरनाम भी पुट कीजिए, फिर जो आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा वो भी इसमें शो हो जाएगा। अगर उसमें कोई इनकरेक्ट रहता है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। तो जितना भी आप करेक्शन करना चाहते तो इस फॉर्म को ही फिलअप करके आपका करेक्शन करवाना है। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जो रीजनल लैंग्वेज है उसको करेक्शन करने में और टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए हो गया। फिर जो आपका पार्ट नंबर देना है, तो आपका पार्ट नंबर कैसे निकलता है अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पार्ट नंबर कैसे निकलता है मैं उसका भी वीडियो दे दूंगा। तो मैंने पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और जो एपिक नंबर उसको मैं टाइप कर दिया। फिर आपको क्या क्या चेंज करना है, नेम चेंज करना है, फ़ोटो चेंज करना है। तो अभी इस क्या चेंज करना है, ये चेंज करना है या रिलेटिव्स का नेम चेंज करना है, तो सब कुछ आप इधर से कर सकते हैं। तो मैंने फ़ोटो चेंज में क्लिक कर दिया। फिर जो आपको जो फ़ोटो है उस फ़ोटो को इधर से चूज़ करना है। तो मैंने एक फ़ोटो बना के रखा हुआ है तो उसको मैं इधर से चूज़ करके ओपन कर दिया। देखिए ऑलरेडी ले लिया। फिर हम लोगों को कुछ इधर में अपलोड नहीं करना है, ओनली फ़ोटो अपलोड करने से ही हो जाता है। तो फिर आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्लिक नहीं होगा, इसमें भी क्लिक नहीं होगा, इसमें भी क्लिक नहीं होगा, मतलब आपको ओनली फ़ोटो ही अपलोड करना है। फिर आपका जो ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को इधर पुट कर दीजिए। तो मेरा जो ईमेल आईडी है मैं इधर पुट कर रहा हूँ। फिर जो मोबाइल नंबर है आपका, तो इधर नीचे जो है उसमें मोबाइल नंबर भी पुट करना है। तो मैंने एक मोबाइल पुट कर रहा हूँ इधर, पुट करके जो आपका प्लेस है उस प्लेस को भी इसमें टाइप करना है। तो प्लेस को टाइप करके तो कैप्सा को टाइप करना है 11299। तो इसको करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद ऐसे एक फॉर्म आ जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट आउट करना चाहते हो तो प्रिंट आउट भी
करके रख सकते हैं। फिर हम लोग करेंगे सबमिट। तो सबमिट होने के बाद देखिए आपका सबमिट हो गया, फिर आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी आएगा, इस नंबर से आप बाद में जाके ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए ट्रैक करके भी देखते हैं। तो उस नंबर को कॉपी कर लिया, फिर इधर पेस्ट कीजिए, पेस्ट करके ट्रैक स्टेटस कर दीजिए, देखिए ये ट्रैक हो गया। तो आपका नाम का जो जितना भी स्टेप होने वाला है सब कुछ शो हो रहा है। तो ऐसे करके ही आपका जो वोटर आईडी कार्ड के फोटो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।